हिंदू इंतहा पसंद तंजीम शिवसेना की एक और शर्मनाक हरकत। मुंबई में खुर्शीद कसूरी की किताब की तकरीबे रुनमाई मंसूख करने की धमकियां, ऑर्गेनाइजर्स पर हमला, मुंह पर स्याही फेंक दी। N122 लाहौर का मार्का, मुस्लिम लीग नून ने 2500 वोटों से जीत लिया। अयाज सादिक 74,525 वोट लेकर कामयाब। अलीम खान को 72,082 वोट मिले। लीगी कारकुनों का रात भर जश्न और भंगड़े। N122 के पोस्टल बैलेट की गिनती आज होगी। अयाज सादिक से 21 अक्टूबर तक इंतखाबी अखराजात की तफसीलात तलब। 15 लाख से जायद अखराजात पर उम्मीदवार नाअहल हो सकता है, इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तहफुजात के साथ शिकस्त तस्लीम कर ली। नून लीग पर हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल का इल्जाम। अलीम खान कहते हैं वोटर्स लिस्ट में रद्द बदल ना किया जाता तो 2500 वोटों का फर्क भी ना रहता। इमरान खान, धांधली का शोर मचाना बंद करें, मुल्की तरक्की के लिए साथ दें। हमजा शहबाज का कारकुनों से खिताब। अयाज सादिक कहते हैं अवाम की अदालत ने उनके हक में दोबारा फैसला दिया है। पीपी 147 में कप्तान के खिलाड़ी ने मैदान मार लिया। शुएब सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के मोहसिन लतीफ को 3,500 वोटों से शिकस्त दी। N144 ओकाड़ा में आजाद उम्मीदवार रियाजुल हक जज की फतह पर हामियों का जश्न। लीगी उम्मीदवार का दूसरा नंबर। तहरीक इंसाफ के अशरफ सोहना की जमानत जब्त हो गई। बेनजीर कत्ल केस की अहम गवाह मार्क सेगल ने जिराह के लिए वक्त दे दिया। नवंबर के पहले हफ्ते में दस्तयाब होंगे। तफ्तीशी टीम के रुकन SSP ताहिर अयूब इश्तहारी करार। कराची में रेंजर्स की लियारी जनरल अस्पताल में कार्रवाई। कत्ल और भत्ताखोरी की वारदातों में मतलूब उजैर बलोच ग्रुप का कारिंदा पकड़ा गया। और गुजरावाला में अदालत के बाहर बच्चों की हवालगी के लिए बाप और दादा के दरमियान हंगामा आई और खींचा तानी, बच्चों की फूफी बेहोश।